नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। चास के नारायणपुर गांव में मुहर्रम और कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरती गई। वहीं पुलिस ने गांव का निरीक्षण कर लोगों से अपील की कि शांति और प्रेम के साथ त्योहार को मनाएं, और गांव वालों ने भी पुलिस का काफी सहयोग किया। हर साल पूरे भारतवर्ष में मुहर्रम का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते दूसरे त्योहारों की तरह मुहर्रम का त्यौहार भी लोगों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में रहकर मनाया और सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। ऐसे ही कुछ हरिद्वार जिले के गढ़मीरपुर गाँव में देखने को मिला, जहाँ ये मुहर्रम का त्यौहार हर साल अकीकत मन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस साल गढ़मीरपुर गांव में कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां राव परवेज खां, गुलफाम सलमानी, रईस कुरैशी ने प्रशासन का सहयोग करते हुए और सभी गांव वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सीओ सदर ब्रजेंद्र दत्त धोबाल की देखरेख में मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। वही समाज सेवक जुनेद राणा का कहना है कि इस साल मुहर्रम का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार के आदेश अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। इसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रही है और इसी को देखते हुए हम भी सरकार और प्रशासन के आदेश अनुसार मुहर्रम का त्यौहार मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। यहाँ पुलिस व्यवस्था की हुई है, पीएसी की हमारी ड्रिल सेक्शन यहाँ लगी है। इसके अलावा हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था यहाँ की हुई है, ताकि सरकारी आदेशों का अनुपालन कराया जा सके। जी बताएं। आज इमाम हुसैन की याद में 10 तारीख में गढ़मीरपुर में और हमारी पंचपुरी में ताजेदारी निकाली जाती है इमाम हुसैन की याद में, क्योंकि इमाम हुसैन आज 10 तारीख में शहादत, उन्होंने अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। इसलिए हम गढ़मीरपुर के पूरी पंचपुरी के अंदर हम ताजेदारी निकालते हैं, मगर आज प्रशासन का सोशल डिस्टेंसिंग से हमने आज ताजिए की ज्यारत की है और एक एक आदमी ने जाकर सोशल डिस्टेंसिंग से और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर ताजिए की ज्यारत की है। घर में ही अपने रहकर ताजिए की ज्यारत की है, क्योंकि प्रशासन ने हमें अवगत कराया था कि इस बार ताजिए जो है अपने घरों में ही रहकर मनाएं। इसलिए हमने सभी ने, पूरी पंचपुरी ने हमारा सब ने साथ दिया है और प्रशासन को हमने यकीन दिलाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम कोई भी उल्लंघन नहीं करेंगे, और ये हमारी पूरी पंचपुरी ने और हमारे गढ़मीरपुर के सभी लोगों ने ये करके दिखाया है, कोई उल्लंघन नहीं किया है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सही इमाम हुसैन की याद में आज जो ताजेदारी की है यहाँ के गढ़मीरपुर के लोगों ने, वो बहुत ही सही तरीके से की है, कोई उल्लंघन नहीं किया है।